रात बच्चों, तो हम कल पढ़ रहे थे काव्य पाठ, जो कि हमारा पूरा हो गया है, काव्य पाठ 3। आज हम पढ़ेंगे गद्य पाठ 4। गद्य पाठ 4 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने बताया है कि फादर बुल्के, फादर कामिल बुल्के, जो कि हमारे देश के नहीं थे, पाठ में हम पढ़ेंगे पूरा उनके बारे में, उनके बारे में बताया है कि उनको हिंदुस्तान और हिंदी से कितना प्रेम था, ये सारी बातें बताई हैं। और इसको उन्होंने कहा मानवीय करुणा की दिव्य चमक, क्योंकि उनके अंदर मानव जाति के प्रति करुणा इतनी भरी हुई थी कि उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक दिखाई देती थी। तो उन्होंने अपने पाठ को शीर्षक दिया है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। पाठ के बारे में पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती हैं। तो संस्मरण क्या होता है? जो हम किसी चीज़ को याद करते हुए, स्मरण करते हुए लिखें, तो वो संस्मरण कहलाता है। जैसे हमने ल्हासा की ओर पढ़ा था कक्षा 9 में, तो वो यात्रा संस्मरण था, अपनी यात्रा के बारे में याद करते हुए लिखा था। यहाँ पर उन्होंने किसी व्यक्ति की याद करते हुए लिखा है, तो ये भी संस्मरण है। तो संस्मरण कैसे बनता है? स्मृतियों से, क्योंकि स्मृति ही उसका आधार होती है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। और स्मृति जितनी विश्वसनीय होंगी, विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी, जितनी रिलायबल होंगी, जितनी सही होंगी, वो उस संस्मरण को उतना ही महत्वपूर्ण बना देंगी। अर्थात कोई भी जब चीज़ हम याद करते लिखते हैं, तो उसमें जो भी हम बातें लिख रहे हैं वो बिल्कुल सच होनी चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए, उसके सूत्र जो होने चाहिए विश्वसनीय होने चाहिए, तभी वो हमारा संस्मरण जो होता है वो महत्वपूर्ण बनता है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। और फादर कामिल बुल्के को याद करते हुए लिखा गया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा यह संस्मरण इस कसौटी पर, किस कसौटी पर, कि बिल्कुल विश्वसनीय है, इस कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरता है। यानी उन्होंने जो भी लिखा है, जो भी यादें हैं, उन पुरानी यादें, वो सब खरी हैं, बिल्कुल सही हैं, सटीक यादों को उन्होंने यहाँ पर शामिल किया है। तो इस अगर कसौटी पर हम देखें, अगर इस परीक्षा की दृष्टि से देखें, तो ये बिल्कुल सही है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। तो कह रहे हैं किसके बारे में लिखा है उन्होंने, फादर कामिल बुल्के। तो फादर कामिल बुल्के का जन्म कहाँ हुआ था उन्होंने बताया है, यूरोप में, बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में हुआ था। और ये शहर कैसा है? गिरजों, पादरियों, यानी इन सब से हमें पता चल रहा है कि क्रिश्चियन ईसाइयों का देश है, लेकिन वो अपने आप को भारतीय कहते थे। तो लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था? रेम्स चैपल में हुआ था, जो कि क्रिश्चियनों का, ईसाइयों का देश है। परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को, लेकिन उनको भारत इतना पसंद आया, भारत की संस्कृति के बारे में जब वो अपने देश में रहकर ही पढ़ते थे, तो उनको इतना ज़्यादा इस चीज़ ने, यहाँ की संस्कृति ने आकर्षित किया कि वो भारत आ गए और भारत को ही उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। तो कह रहे हैं कि फादर बुल्के को हम कह सकते हैं सन्यासी थे, लेकिन सन्यासी कैसे थे? वो पारंपरिक यानी जैसी चली आ रही प्रथा जो सन्यासियों की, वैसे नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि जो पारंपरिक साधु होते हैं वो बिल्कुल सन्यास ले लेते हैं, बिल्कुल समाज से दूर चले जाते हैं, माया मोह के बंधन में नहीं रहते, किसी से जो रिश्ता बनाते हैं सारे रिश्ते तोड़कर चले जाते हैं, सन्यास ले लेते हैं। लेकिन इस दृष्टि से अगर देखें तो वो संत नहीं थे। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था। क्यों नहीं थे वो सन्यासी पारंपरिक अर्थ में? क्यों नहीं थे? क्योंकि पारंपरिक अर्थ वाले सन्यासी जो होते किसी से संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन फादर बुल्के का तो सर्वेश्वर दया सक्सेना तक से, यानी जिनसे उनका कोई नाता नहीं था, कोई बहुत पास के उनके करीबी नहीं थे वो, लेकिन फिर भी उनके साथ उनका अंतरंग संबंध था। यानी इन्हीं की तरह वो हर एक से जो संबंध बनाते थे वो हमेशा निभाते भी थे, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उनका लेखक के साथ अंतरंग संबंध था? कि जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो हमें इस बात की झलक दिखाई देगी, इस बात के हमें पूरे प्रमाण मिलेंगे कि वाकई उन दोनों में अंतरंग संबंध था। लेखक का मानना है कि जब तक रामकथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। और लेखक का ये मानना ये है कि जब तक हमारे देश में रामकथा है, यानी रामकथा कब तक रहने वाली है? अनंत काल तक रहने वाली है, क्योंकि रामकथा को हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जब तक रामकथा चलेगी, तब तक हम इस भारतीय साधु को भी, यानी हमेशा हम उनको भी याद करेंगे, तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। और दूसरा क्यों याद किया जाएगा उनको? कि उनका हिंदी भाषा के प्रति और यहाँ की बोलियों के प्रति जो अगाध प्रेम था, जो अटूट प्रेम था, उसके लिए उनको हमेशा उदाहरण के तौर पर याद किया जाएगा कि विदेशी होते हुए भी उन्होंने भारतीय भाषाओं, भारतीय संस्कृति और भारतीय हमारे जो धर्म ग्रंथ
आदि हैं, इन सबको बहुत महत्व दिया और इनके ऊपर उन्होंने अपनी रिसर्च वगैरह भी जो की, वो भी उन्होंने इन्हीं चीज़ों से संबंधित की। चलिए अब पढ़ते हैं पाठ में इनके बारे में क्या है। पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस प्रकार का इस जहर का विधान क्यों। लेखक बता रहे हैं कि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु हो चुकी है। उनकी मृत्यु कैसे हुई है? जहरबाद। जहरबाद एक तरह का रोग होता है, गैंग्रीन बोला जाता है इसको। मतलब इसमें कोई अगर आपके घाव हो गया, कोई फोड़ा वगैरह हो जाता है तो वो कभी भरता नहीं है और वो धीरे धीरे पूरे में फैलता चला जाता है, तो गैंग्रीन कहलाता है। तो उनको गैंग्रीन हुआ था, इसी कारण उनकी मृत्यु हुई। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि भगवान की जो नियति, भगवान ने जो नियति निर्धारित की थी कि उनकी मृत्यु जहरबाद से होगी, ये कह रहे हैं कि लेखक कि मुझे समझ में नहीं आई। क्यों नहीं समझ में आई? क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अब जीवन भर दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ और नहीं था। उनके मन को अगर हम टटोलेंगे, अगर हम देखेंगे, पाठ भी पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि फादर के मन में हर एक के लिए मिठास भरा हुआ था, अमृत के समान मिठास था। तो कह रहे हैं कि जिसके मन में दूसरों के लिए इतनी मिठास हो, तो कह रहे हैं कि जिसके मन में दूसरों के लिए इतना अमृत था, उनकी मृत्यु जहर से क्यों हो। अर्थात उनकी मृत्यु उन्हीं के अनुरूप होनी चाहिए थी, जब वो इतने अच्छे थे, उनके मन में इतने दूसरों के प्रति इतना प्रेम था, करुणा थी, तो उनकी मृत्यु भी के लिए भी भगवान को सोचना चाहिए था कि उनकी मृत्यु जो थी साधारण मृत्यु होनी चाहिए थी। उनको जहर का विधान क्यों रखा, उनके जहर से इस तरह से क्यों मारा, यह सवाल किस ईश्वर से पूछे। लेखक कह रहे हैं कि यह सवाल मुझे बहुत अंदर तक झकझोर कर रख देता है, और लेकिन मैं इसको पूछने किससे जाऊं, ईश्वर से पूछूं भी तो क्यों पूछूं, क्योंकि ईश्वर ने ही तो ये विधान किया होगा, तो आखिर ऐसा उनके लिए मृत्यु का विधान क्यों किया। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। कह रहे हैं उनकी प्रभु में आस्था थी, सच्ची आस्था थी। अब प्रभु कोई भी हो सकते हैं, उनके अपने जो ईसा मसीह थे वो भी हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में आने के बाद उन्होंने राम से संबंधित बहुत रिसर्च कार्य किए, तो उनकी राम पर भी आस्था थी। तो कह रहे हैं कि जिस प्रभु पर उनकी इतनी आस्था थी, उनके वही उनका अस्तित्व था। मतलब अस्तित्व यानी उनकी पहचान ही ये थी कि वो ईश्वर में आस्था रखते थे, उसके लिए भगवान ने ऐसी मृत्यु क्यों निश्चित की थी। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। तो कह रहे हैं कि जिसके मन में ईश्वर के प्रति इतना प्रेम था, वो उनको अपने जीवन की अंतिम यात्रा या अंतिम जो पल थे, वो अपने शरीर की इतनी बड़ी शरीर को इतनी बड़ी यातना देकर कैसे उनको सिद्ध करना पड़ा कि मैं अपने शरीर से भी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसलिए उन्होंने शरीर से इतनी बड़ी क्यों परीक्षा देनी पड़ी कि उनको मृत्यु जहर से हुई। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। लेखक उनको याद करते हुए बता रहे हैं कि जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो एक आकृति मेरे सामने आ जाती है। वो कैसी आकृति है? एक पादरी के समान सफ़ेद कपड़ों में। आप लोगों ने देखा होगा क्रिश्चियन के जो होते हैं ये लोग लंबे कपड़े पहनते हैं, जो फादर वगैरह होते हैं स्कूल में, देखे हैं आपने, तो वो लंबी एक चोगा पहनते हैं सफ़ेद रंग का, तो वही आकृति सामने आ जाती है। और उसके अलावा क्या था, उनका व्यक्तित्व कैसा था? गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, रंग गोरा था उनका, और जो दाढ़ी थी वो भूरे बाल थे उसमें, जिसमें कि सफ़ेद भी झलक दिखाई देती थी। नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। आँखें जो थी वो नीली थी और बाहें हमेशा खुली रहती थी। क्यों खुली रहती थी? क्योंकि लेखक ने जब भी उनको देखा तो लेखक को वो भी देख रहे होते थे, और लेखक को देखते ही वो अपनी बाहें खोल देते थे उनको गले लगाने के लिए, आतुर मतलब बिल्कुल व्याकुल हो जाते थे कि जल्दी से वो उनके पास पहुँचे और वो उनको गले लगा लें। तो कह रहे हैं कि ये पूरा व्यक्तित्व मेरे सामने एकदम आ जाता है। क्या क्या दिखाई देता है उनको? सफ़ेद आकृति यानी एक लंबा सा चोगा पहने हुए उनकी पूरी पर्सनालिटी व्यक्तित्व, जिसमें कि उनका गोरा रंग शामिल था, उनकी दाढ़ी थी जिसके भूरे बाल थे उसमें सफ़ेदी झलकने लगी थी, नीली आंखें थी और बाहें हमेशा खुली हुई याद आती हैं। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। और बता रहे हैं लेखक कि ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं थे, ये जो बाहें उनकी खुली रहती थी, ये सारी बातें जो थी सिर्फ लेखक के लिए नहीं थी, बल्कि हर अपने प्रियजन के लिए, जितने लोगों को भारत में आने के बाद जितने भी लोगों को जानते थे, हर एक के लिए इतनी ही ममता थी, अपनत्व की भावना इसी तरह से इस साधु में सबके लिए रहती थी। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। लेखक कह रहे हैं कि मेरा उनका जो साथ था वो 35 सालों से था, और इस 35 सालों में मैं इस बात का प्रमाण था, पूरा इस बात का सबूत था कि वो हर एक से इतने ही प्रेम से मिलते थे। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब
दिल्ली आते थे। कह रहे हैं कि चाहे मैं इलाहाबाद में उनसे मिलता था उस समय जब नई नई हमारी पहचान हुई थी, चाहे जब मैं दिल्ली आकर बस किया, वो कभी दिल्ली आकर थे मुझसे मिलते थे, तो चाहे इलाहाबाद में मिलते थे या दिल्ली में, कहने का मतलब ये सब समय का अंतर बता रहे हैं कि शुरू शुरू की जान पहचान थी या बहुत सालों बाद की, लेकिन वो हमेशा इसी प्यार से सबसे मिलते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। लेखक कह रहे हैं कि आज भी जब मैं उनको याद करने बैठता हूँ तो उनकी जो बाहें जब मैं कसकर दबाते थे वो, तो वो जो दबाव था वो मुझे अभी भी अपने सीने पर महसूस होता है। ऐसा लगता है मानो मैं उनकी बाहों में हूँ। तो इतना पढ़िएगा आप, आगे का सिर्फ आगे अगली कक्षा में पढ़ेंगे।